हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चल रहे हैं पताया से थोड़ा सा आगे। एक आइलैंड है खोलान, जिसको कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम वहां चलेंगे गाइस, क्योंकि हमें पता चला था वहां पर स्टेइंग होटल्स भी बन चुके हैं। मींस अब आप कोरल आइलैंड में या फिर खोलान एरिया में रात को स्टे कर सकते हैं और वहाँ पर रात के मज़े ले सकते हैं। सो चलिए चलते हैं स्पीड बोट से कोरल आइलैंड और खोलान आइलैंड। स्पीड बोट ने हमने चार्ज किया था 300 पर पर्सन। सो चलिए चले और देखें और मज़े करें इन खोलान। So finally we have reached guys in Kholan. अभी हमें स्पीड बोट ने उतारा है जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है। दिस इज़ द रेजिडेंशियल एरिया। अब हम जाएंगे लोथू कह लो या फिर आप यहाँ का टुक टुक कह लो, उसके थ्रू कोरल आइलैंड वाली साइड पर जहाँ पर हमने होटल ले रखा है फॉर द नाइट स्टे। हम जा रहे हैं टुक टुक लेने के लिए। यहाँ पर एक टुक टुक का स्टेशन है, सो हम वहाँ से टुक टुक लेंगे कोरल आइलैंड जाने के लिए। एंड दिस इज द टुक टुक स्टेशन खोलान एरिया का। अब चलिए, ये हमारा टुक टुक है जिसमें हम जाएंगे। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट यहाँ का। हम यहाँ पर आएंगे बाद में। और अब हम पहुँच चुके हैं कोरल आइलैंड। चलिए देखें हमारा जो विला है वो कहाँ पर है, जिसका नाम है टीसी विला रिजॉर्ट। यहाँ पर ये पूरी रोड पर गाइस जो है रेस्टोरेंट्स थे सिर्फ, अब होटल्स बन चुके हैं बहुत। देखिए सी फूड, यहाँ आए और सी फूड ना देखा ना खाया तो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी है एंड यहाँ पर इंडियन फूड भी आपको इजीली मिल जाता है। देयर इज़ वन वेरी फेमस प्लेस इंडियन फूड के लिए। नॉट ओनली फूड, समोसे वगैरह भी मिल जाते हैं। आई वॉज शॉक जब मैंने देखा था, बिकॉज यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट बहुत आता है। देखिए ये सारे मैं आपको पूरी रोड पर दिखा रही हूँ, सारे के सारे होटल्स हैं। ये आगे सारे होटल रेस्टोरेंट्स हैं और इनके पीछे जो है होटल्स बने हुए हैं। बट हम अपना होटल ढूंढ रहे हैं, टीसी विला। ओके, दिस इज़ द टीसी विला ऑन बीच जहाँ पर हमने बुकिंग करवाई है। चलिए देखिए अंदर से। सो गाइज, हमने सी व्यू लिया था रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर, बट अभी वो रेडी नहीं है, इसलिए इन्होंने हमें एक रूम अलॉट किया है इन अ ग्राउंड फ्लोर, विच इज़ अ स्विमिंग पूल वाला रूम।
सो चलिए आपके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपको दो रूम्स देखने को मिल जाएंगे, विच इज़ वन इज़ स्विमिंग पूल विच इज़ दिस और सेकेंड विल बी सी व्यू जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वंस इट विल बी रेडी। नाइस, दिस इज अ पर्सनल स्विमिंग पूल ऑफ दिस रूम। सो गाइज, हमारा जो रूम था टैरिफ अगर मैं आपको बताना चाहूँ सो दैट वॉज 3500 फॉर वन नाइट एंड ये वाला जो रूम है नीचे स्विमिंग पूल वाला ये इसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। हमारे होटल से देखिए बाहर निकलते ही वी हैव अ बीच, सो लेट्स इन्जॉय द बीच फॉर सम टाइम एंड देन हमारा जब रूम वो रेडी हो जाएगा बीच व्यू वाला तब मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। गाइस, खोलान में या कोरल आइलैंड में जो वाटर एक्टिविटीज़ होती थी वो तो होती ही है, साथ साथ में यहाँ पर अब मोटर पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट हो गई है। सो इफ़ एनीबॉडी वांट्स टू एंजॉय दैट सो दे कैन आल्सो डू दैट। शाम हो गई है, सनसेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे अब रात की तैयारी धीरे धीरे शुरू होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए बीच का पानी भी पीछे को चला गया है सो और हमारा रूम भी रेडी हो गया है। सो चलिए मैं आपको सेकंड रूम भी दिखा देती हूँ अपना, जो बीच व्यू ये आपको ऊपर ब्लू वाले रूम्स दिख रहे हैं इनमें से एक है हमारा रूम। सो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और ऊपर से नज़ारा देखते हैं कैसा है शाम का। देखिए ये मोटर पैराग्लाइडिंग हो रही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम जो हमने बुक किया था सी व्यू वाला और हमारा शाम हो चुकी है यहाँ पर एंड हमारा भी इंजॉयमेंट पूरा फिनिश हो चुका है बीच का। सो थोड़ा फ्रेशन अप होकर फिर जाएंगे रात को बीच पर। चलिए देखें हमारा जो रूम था सी व्यू वाला वो कैसा है। एंड लेट्स सी अब हमारे रूम से बीच का व्यू, आइए मैं आपको दिखाऊं। शाम हो गई है और पैराग्लाइडर्स जो थे वो ऊपर से नीचे लैंड कर रहे हैं देखिए एंड लाइट्स भी रात की रेडी हो गई है जो हर होटल और हर रेस्टोरेंट के आगे यहाँ पर उनका एरिया में उन्होंने सेटअप किया है। तो चलिए नाइट व्यू भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ अब। नाइट व्यू कैसा है या नाइट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है आई होप आप सभी जानना चाहेंगे। तो चलिए देखें Thank you.
यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं या होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइव सिंगिंग स्टार्ट करी हुई है। यहाँ पर फायरवर्क होता है नाइट में, आप आराम से बीच साइड पर बैठकर रोमांटिक डिनर भी कर सकते हैं। आप होटल वालों को स्पेशली अरेंजमेंट्स के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर लाइव कैरियोके और लाइव अगर आपको परफॉर्मेंस कुछ करना है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। लाइव बार्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लोग लेकर आए हैं खोलान एरिया में, जो हमने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा स्टार्ट हो सकता है खोलान एरिया और कोरल आइलैंड में। आइए आपको अब मैं फायरवर्क्स वाली साइड पर लेकर चलूँ। ये सभी नाइट एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर तकरीबन 10 बजे तक या 10:30 बजे तक ही एक्टिव रहती हैं। उसके बाद सब खाना खा कर अपना सोने चले जाते हैं और हम भी अब सोने चलेंगे एक्टिविटीज़ देखने के बाद, एक बार ये फायरवर्क का एंजॉयमेंट फिनिश हो जाएगा उसके बाद। चलिए रात बहुत हो गई है और चलते हैं अब सोने के लिए। अब हम आपको सुबह मिलेंगे दोबारा विद द मॉर्निंग व्यू ऑफ द बीच फ्रॉम माय होटल रूम। गुड मॉर्निंग खोलान। सो ये है मेरा मॉर्निंग व्यू। ब्रेकफास्ट रेडी था तो हमें कॉल आ गया था रूम में, अब हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं एंड ब्रेकफास्ट के बाद दोबारा हम जाएंगे देखिए सामने बीच पर। चलिए ब्रेकफास्ट करें और दोबारा चले बीच पर, एक बार मॉर्निंग वॉक ले लेते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो मैं आपको मॉर्निंग का भी पूरा मार्केट दिखा दूँ।
सो ये था हमारा मॉर्निंग वॉक। अब हमने बीच भी इंजॉय कर लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस पताया, क्योंकि हमें बैंकॉक वापस जाना है। सो हमें ये होटल की ही बाइक राइड है जो हमें मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमें छोड़ेगी वहीं टुक टुक की टुक टुक जो स्टैंड है वहाँ तक। वहाँ से हम बोट करेंगे, बोट एरिया जाकर, एंड फिर हम चलेंगे पताया वापस, क्योंकि बैंकॉक वापस जाना है। सो ये हमारे होटल की टुक टुक थी जो हमें लेकर आई। अभी हम बीच में रुके हैं व्यू के लिए। अब हम जा रहे हैं पताया वाया बोट। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो खोलान से रिलेटेड था अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा, और आप ये वीडियो देखकर भी आना चाहेंगे। प्लीज़ सजेस्ट योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब माई चैनल टू नो मोर थिंग्स, मोर न्यू थिंग्स अबाउट द थाईलैंड, बैंकॉक और एनी थिंग एल्स वॉट दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द बैंकॉक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।